तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इफ्लेक्स लिमिटेड के बारे में। 551 का ये आपका आज क्लोजिंग दिया है, 41.55 और 8.16। आज देखिए मार्केट पूरा बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, मतलब आपका निफ्टी और सेंसेक्स में पूरा नील आपको देखने को मिला, सारे रेड सिग्नल आपको देखने को मिला है। बट ये शेयर हर 8% आपको तेजी देखने को मिला है, जो कि 550 आसपास ओपन होके ये चला गया था। देखिए 580-570 आसपास ही चला गया था। ठीक है, चलो देखते हैं कंपनी के बारे में, जानते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, क्वार्टर रिजल्ट क्या आया है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहो जानने के लिए डिटेल्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी न्यू व्यूअर हो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए मैं मनी कंट्रोल साइट पे हूँ, यहाँ पे देखिए डे का रेंज गया था 528 पे, ओपन होके ये गया था 590। देखिए आज के दिन मतलब ज़बरदस्त हाई मारा था। देखिए और ये फिर देखिए 352 लो है और 658 इसका हाई है कंपनी का। यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ क्या है, R1 देख रहा है 515, R2 521, ये 524, सब S1 506, 492, 496 यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए इसका जो 100% बाय दिखा रहा है, 0% सेल दिखा रहा है, 0% होल्ड यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी का। कंपनी डिविडेंड भी पे कर रहा है हर साल, 2.52 रुपीज़, 2 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़, 3.50 यहाँ पे 17 में पे किया था सबसे ज़्यादा कंपनी का। सितंबर में 2021 में देखिए सितंबर में ये 2.50 रुपीज़ पे किया डिविडेंड्स का। देखिए रेवेन्यू का नंबर भी बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें ग्रोथ देखने को मिला है 17 से लेके 2021 तक 6504, फिर 6788, 7957, 7404, 8890, मतलब आपका 2021 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिला है ये वाला 8890 इसका जो रेवेन्यू है ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू मिला है कंपनी को। और इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है हर साल, देखिए 600 फिर 700 800, मतलब हर साल 90 100 आसपास 80 90 100 इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दूसरा, इसका रिजल्ट देखिए सितंबर में आया है 3027 करोड़ का सेल, 171 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 264 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2756 करोड़ का सेल, 2564 का मार्च में सेल हुआ है, 2964 का इसका जो नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे दूसरा चीज़ देखिए क्या है, 256 करोड़ का मार्च में ये 2564 का मार्च में सेल, 264 का सेल सर नेट प्रॉफिट, फिर 160 का नेट प्रॉफिट, फिर 222 का नेट प्रॉफिट आया था, और सितंबर 20 में 2228 का सेल हुआ है कंपनी का। यहाँ पे देखिए इसका जो पैटर्न है, 44% प्रमोटर है, 6.42 FIS है, पब्लिक है 48.48 और अदर्स है FIS है 1.08। यहाँ पे देखिए इसका बिग न्यूज जो क्या है, यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड है इंक्रीज होल्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए कितना होल्डिंग इंक्रीज किया, 0.02, 0.02, 0.03 ये इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, 0.02, 0.03 इंक्रीज इसमें देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में जानते हैं। इफ्लेक्स इज द लीडिंग इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी व्हिच एंगेज इन द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट ऑफर एंड कंप्लीट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशन टू द इट्स कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब, मतलब हर ग्लोब में, सारे इंडिया क्या आपका फॉरेन कंट्री पे भी ग्लोब, ये बहुत सारे कंट्री पे प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, पैकेजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट रेंज ऑफ द प्लास्टिक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड द बैक्सिली ओरिएंटेड। चलो ये मार्केट कैप देखिए 3986 और करंट प्राइस है 552 और लो है देखिए 351 658, स्टॉक पी 3.94, ROC है 15.3, ROE है 16.5, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, डिविडेंड दे रहा है कंपनी 0.45 का। स्क्रीनर के पे भी वही देखिए आप,
आपको नेट प्रॉफिट देखिए मार्च 2019 से लेके 2057 करोड़ का सेल हुआ था, 70 करोड़ का इसका क्या नेट प्रॉफिट। EPS उस टाइम था देखिए 9.70 ये मार्च 18 में। देखिए इसमें ग्रोथ हुआ EPS में, देखिए धीरे धीरे ये 30 रुपीज चला गया, देखिए 20 रुपीज। और देखिए करेंटली देखिए दिसंबर 2021 में 3463 का सेल हुआ है, बट यहाँ पे देखिए एक्सपेंस 2858, बट यहाँ पे देखिए 313 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है स्किनर के साइड पे। और इसका देखिए EPS अर्निंग पर शेयर जो दिखा रहा है अभी 43.37, मतलब स्टार्टिंग 2019 में था 9.17, मतलब इसमें कितना ग्रोथ हुआ है देखिए ज़बरदस्त, मतलब इसमें आपको नंबर 4 टाइम आसपास इसमें ग्रोथ देखने को मिला है कि इसमें EPS पे, तो कि जो कि बहुत बड़ा बिग न्यूज है कंपनी के लिए। आगे कंपनी सर्वाइव भी कर रहा है, बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। और दूसरा यहाँ पे देखिए कंपनी का क्या है, मार्च 2010 में यहाँ पे 3174 का टोटल एसेट था, अभी करंट देखिए 6000 हो गया 15 में, फिर देखिए 18 में हुआ था 7688, फिर 7000, फिर 10000 हो गया 2020 में, 11000 हुआ है आपका मार्च 2021 में, और ये सितंबर 2021 में 12733, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। ठीक है, एसेट में भी इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है, EPS में भी ग्रोथ हो रहा है, तो कंपनी कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और इसका शेयर 500 अभी है, या आपको कुछ दिनों में देखिए कुछ वन ईयर में 1000 क्रॉस करके 2000 आसपास भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए इसका जो अभी इसका क्या है, नेट कैश फ्लो है 73 करोड़ था 10 में, फिर देखिए ग्रोथ माइनस हुआ ये, फिर देखिए आ गया 216 करोड़ का मार्च 2021 में, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है और कंपनी आगे बहुत अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।